ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा बुरी तरह ट्रॉल हो गईं और अरेस्ट अलका लांबा ट्विटर पर फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने ट्विटर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भद्दी व अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिसके कारण उनको ट्विटर पर ट्रोल होना पड़ा। आपको बता दें, अलका लांबा और सोशल मीडिया का विवाद कोई नया नहीं है, कभी सेक्स रैकेट तो कभी बयान से बवाल मचता ही रहा है। अलका लांबा और विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट का विवाद का मामला हो या फिर अपने पति लोकेश कपूर से अलग होने का, वो हमेशा ही विवादों में रही हैं। अलका लांबा पर आरोप लग चुका है कि अगस्त 2015 को उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ भाजपा विधायक ओपी शर्मा की दुकान में तोड़फोड़ की थी और पुलिसकर्मियों को काम करने से बाधित किया था। अलका लांबा जब आम आदमी पार्टी में थी, तब गोपाल राय पर गलत बयानबाजी से आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए हटा दिया था। तब पार्टी की इस कार्यवाही के बाद अलका लांबा ने कहा था कि मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करती हूँ और मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और अनजाने में कोई गलती हुई तो उसका पश्चाताप करूँगी। इससे पूर्व अलका लांबा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर टिप्पणी की थी। उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें पीएम मोदी संघ की गणवेश में मंच से भाषण दे रहे थे। अलका ने लिखा, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर सच्चाई यह है कि भाजपा के सारे नेता संघ की ही नाजायज पैदाइश है। इसके जवाब में ओलंपिक्स में भारत को कुश्ती में कांस्य पदक दिलाने वाले योगेश्वर ने जवाबी ट्वीट में लिखा, नाजायज पैदाइश कौन है इसका पता तो आपकी बातों से लग रहा है। अलका लांबा, जिस इंसान की फोटो पर आपने लिखा है, उस इंसान के लिए देशवासियों का प्यार आपने भी देख लिया होगा। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, बस आप जैसे कुछ मानसिक रोगियों को छोड़कर। योगेश्वर दत्त के इस ट्वीट के बाद अलका लांबा बुरी तरह तिलमिला गईं। अलका ने लिखा, अबे योगेश्वर दत्त, अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है, लगता है अपने बाप के साथ डीपी लगाने में तुझे शर्म आती है। ऐसा क्या, जिसके साथ तूने डीपी लगा रखी है, अगर माँ कहती है कि वही तेरा बाप है तो मान जाइयो, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। यूं ही दर्द नहीं हुआ तुझे? अलका लांबा के खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पर दिए अमर्यादित बयान पर की गई बहुत किरकिरी हुई। कांग्रेस ने अलका लांबा के हालिया विवाद से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले में अलका लांबा द्वारा पीएम मोदी और सीएम योगी पर की गई भद्दी टिप्पणी पर क्या होता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो की रिपोर्ट।